हे गाइस, दिस इज रेंगो गेमिंग। आज का वीडियो है HSR बिगनर्स गाइड पे। सो यहाँ पे गाइस हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे नए HSR प्लेयर्स के लिए, एंड प्लस मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए। तो गाइस दैट्स इट, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, स्टेलर जेड्स। तो गाइस स्टेलर जेड्स इस गेम में एक स्पेशल करेंसी है जिससे आप लोग लिमिटेड टाइम कैरेक्टर्स को पुल कर सकते हो एंड उसका लाइट कॉन्स भी पुल्स कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को स्टेलर जेट्स कैसे मिलेगा एज ए F2P प्लेयर, आप लोगों को, आप लोग अगर ये परचेस नहीं करते ऑलराइट स्टोर से, ऑलराइट 99 रुपीज़, 499, 1419, ये सब आप लोगों को परचेस नहीं करना है। तो आप लोगों को इतना सारा जेट्स कहाँ से मिलेगा कि आप लोग एटलीस्ट कैरेक्टर पुल कर लो, प्लस उसका लाइट कॉन भी ले लो एंड सारी चीज़ें। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले गाइस, यहाँ पे आप लोगों को पॉम्पम के पास आ जाना है ना। तो पॉम्पम से यहाँ पे गाइस देख सकते हो सेकंड ऑप्शन चूज करना है, हाउ माई ट्रेल ब्लेज लेवल। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पहला तो गाइस आप लोगों को यहीं से मिलेगा, जैसे आप स्टोरी क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट करोगे है ना, वहाँ से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस जैसे आपका लेवल अप हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50 जेड्स एंड सारी चीज़ें, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम क्लेम कर सकते हो। प्लस यहाँ पे तुम्हारा सारा मिशन दिखेगा, जो तुम्हारा मेन क्वेस्ट है ट्रेल ब्लेज कंटिन्यूएंस, डेली मिशंस एंड एडवेंचर क्वेस्ट एंड साइड स्टोरी क्वेस्ट वगैरह, सारे चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ओके, आप लोगों को फटाफट एक एक करके ये चीज़ें कंप्लीट करनी है जिससे आप लोग को टेलर जेल्स भी मिल जाए, प्लस ट्रेल ब्लेज XP भी मिल जाए जिससे आप लोगों को लेवल अप होने में हेल्प मिल जाए। ओके, सो ये हो गया। उसके अलावा गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैप्स में है ना, ये देखो यहाँ पे गाइज आप लोगों को टॉप लेफ्ट में देखोगे यहाँ पे ट्रेजर्स दिखेंगे। सो ये ट्रेजर्स आप लोग जब क्लेम करोगे यहाँ से भी तुमको ट्रेजर्स से जेड्स मिल जाएंगे, प्लस XP मिल जाएंगे। हर एक मैप में देख सकते हो गाइस यहाँ पे, ओके हर एक मैप में आप लोगों को ये चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे रैप टॉटर भी रहेगा, इसको भी आप जब उसको मारोगे एंड उस वहाँ से तुमको 60 जेड्स मिल जाते हैं। तो गाइस एज ए देख सकते हो है ना, और 7 ट्रेजर्स है। तो सारे आप लोगों को एक्सप्लोर करना है ये सारे चीज़ों को। तो जैसे एक्सप्लोर करोगे आप लोगों को जेम्स मिल जाएंगे एंड यस। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप लोगों को जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो डेली मिशंस जो है ये आप लोगों को यहाँ से भी स्टेलर जेम्स मिल जाएगा। ओके, तो ये एक और चीज़ है। और उसके अलावा जैसे आप सिमुलेटेड यूनिवर्स वगैरह खेलोगे वहाँ पे भी आप लोगों को स्टेलर जेट्स मिलेगा। ये इसके बारे में बाकी की डिटेल्स चीज़ें मैं और आगे बताऊंगा। तो ये एक हो गया ऑलराइट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे देख सकते हो फॉरगॉटन हॉल है, प्योर फ्रिक्शन है एंड लेटेस्ट अपडेट का प्योर फ्रिक्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ से भी आप लोग स्टेलर जेट्स क्लेम कर सकते हो जैसे आप कंप्लीट करते हो कुछ लेवल्स है इसमें, सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। जैसे कंप्लीट कर लोगे एंड स्टार्स आप लोगों को चाहिए रहेगा, तो जैसे आप लोग ये क्लेम कर लेते हो आपको स्टेलर जेट्स भी मिल जाता है ना। तो यहाँ से भी आप लोग क्लेम कर सकते हो ऑलराइट गाइस। उसके अलावा यहाँ पे गाइस आपको सिमुलेटेड यूनिवर्स से आपको मिल जाएगा स्टेलर जेट्स एंड स्टेलर जेट्स से यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स ब्लेसिंग्स हो गए। ये ब्लेसिंग जैसे जैसे आप अनलॉक करते जाओगे वैसे वैसे स्टेलर जेट्स यहाँ पे देख सकते हो गाइस है ना, ये ब्लेसिंग का हो गया एंड यहाँ पे ये ऑकरेंस हो गया गाइस। जैसे जैसे ये ऑकरेंस आप लोग अनलॉक करोगे यहाँ पे तुमको उसका भी रिवॉर्ड्स मिल जाएगा एंड कॉरियर्स हो गया गाइस, यहाँ पे कॉरियर्स के भी सेम राइट। उसके अलावा गाइस सिमुलेटेड यूनिवर्स का वीकली सिस्टम है यहाँ पे। तो वीकली सिस्टम पे ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, जैसे 5000 हो गया, 7000 हो गया, 8000 हो गया। तो वैसे चीज़ें आप जैसे कंप्लीट करोगे वहाँ पे तुमको स्टेलर जेट्स भी मिल जाएंगे एंड बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगे, क्रेडिट्स हो गया, ट्रैवल पास हो गया एंड ये टोकन हो गया ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें
उसके अलावा गाइस यहाँ पे लिमिटेड टाइम्स इवेंट्स वगैरह देख सकते हो, काफ़ी सारे अवेलेबल है। एंड उसको कंप्लीट करने से भी आप लोगों को स्टेलर जेट मिल जाएगा। ओके तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे सारा स्टेलर जेट्स आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो गाइस दैट्स इट, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो गाइज अपना यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होगा बैनर्स पे। एंड यहाँ पे गाइज देख सकते हो बैनर्स अपने पास तीन टाइप के अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे एक लाइटकॉन का सेपरेट बैनर होगा लिमिटेड टाइम का, एंड सेपरेट लिमिटेड टाइम का कैरेक्टर बैनर, एंड एक स्टैंडर्ड बैनर एंड रेगुलर बैनर जो कोई भी बोल लो। ओके तो गाइज यहाँ पे अपने पास ये तीन बैनर अवेलेबल होते हैं। जैसे आप स्टेलर जेट सेव करोगे स्टैंडर्ड सॉरी लिमिटेड टाइम बैनर्स के लिए, तो यहाँ पे गाइज आप कैरेक्टर पुल कर सकते हो प्लस उसका लाइट कॉन भी। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग एज ए एफ टू पी फर्स्ट कैरेक्टर पे फोकस करो, लाइट कॉन आप बाद में जाना। ओके तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले कैरेक्टर है। सो लिमिटेड टाइम का जो भी बैनर्स आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला कैरेक्टर मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, तो आप उसके लिए पुल कर सकते हो। ओके एंड लाइट कॉन पे गाइस एज ए एफ टू पी मैं सजेस्ट करूंगा कि पुल मत करो। ओके अपने पास काफ़ी सारे एफ टू पी के लाइट कॉन्स मिल जाएंगे, आगे के वीडियोस में मैं इसका बता दूंगा। ओके तो गाइस यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बैनर आता है। यहाँ पे गाइस कैसा रहेगा, आपको 300 प्रोग्रेस आप जैसे कर लोगे वहाँ पे आप लोग को एक कैरेक्टर सिलेक्शन मिल जाएगा एक्स्ट्रा, आप चूज कर सकते हो कौन सा कैरेक्टर आपको चाहिए। ओके उसके अलावा गाइस आप लोगों को स्टेलर जेट्स इस पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये स्टेलर जेट से आप स्टैंडर्ड बैनर पे पुल मत करना, ठीक है। ये तुम्हारे लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। ये जेट जो है लिमिटेड बैनर्स के लिए, ऑलराइट, उसी पे पुल्स करना है, आपको स्टैंडर्ड बैनर पे पुल नहीं करना है। ये परमानेंट है, कहीं नहीं जाने वाला। लिमिटेड टाइम का बैनर 21 डेज के लिए रहता है, तो देख सकते हो, है ना। ये कहीं नहीं जाने वाला, यहाँ पे कोई टाइम दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, तो कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा। ऑलराइट उसके अलावा गाइस एज ए स्टार्टर जैसे आप थोड़ा प्रोग्रेस करोगे वहाँ पे एक और बैनर आपको मिल जाएगा, 50 पुल्स पे गारंटेड 5 स्टार मिल जाएगा। एंड गारंटेड 5 स्टार ये 7 कैरेक्टर्स में से कोई भी हो सकता है। ओके ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे, है ना, कोई भी हो सकता है। ऑलराइट तो आप उसमें से कोई भी मिल जाएगा आपको, तो उसको आप बिल्ड कर लो। काफ़ी अच्छा डीपीएस कैरेक्टर है एंड नाइलिटी कैरेक्टर है, बफ कैरेक्टर है, डिफेंस कैरेक्टर है, ये भी एक डीपीएस कैरेक्टर है, ये हीलर है। सो वैसा तो गाइस ये चीज़ के लिए आपको रश नहीं करना है 300 के लिए, ठीक है। ये प्रोग्रेस मेरा भी अभी तक नहीं हुआ, 261 पे है, तो आराम से इसको 300 हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से ये मिल जाएगा कैरेक्टर इसमें से कोई भी जो आपको चाहिए। ऑलराइट गाइस सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा गाइस कैरेक्टर बिल्ड के ऊपर। सो गाइस यहाँ पे एज ए एफ टू पी आपको कौन से कैरेक्टर पे बिल्ड करना चाहिए जिससे आपका क्रेडिट भी खत्म ना हो एंड आपका एक टीम भी रेडी हो जाए। ऑलराइट तो यहाँ पे गाइस पहले चलते हैं, आपको गाइस ध्यान देना, पहले आपको एक टीम रेडी करना है 4 कैरेक्टर्स के साथ, जिसमें आपका एक प्रिजर्वेशन कैरेक्टर रहेगा, एक अबेंडेंस कैरेक्टर रहेगा, एक एओई डैमेज डीलर के लिए रहेगा सब डीपीएस, एंड एक हंट कैरेक्टर रहेगा डीपीएस कैरेक्टर के लिए। तो गाइस जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, जैसे कि ये वाला, ओके जिसमें आपको डॉक्टर रिसो मिल जाएगा डीपीएस कैरेक्टर पे, एंड एरोडिक्शन मिल जाएगा एओई, एंड नटासा यहाँ पे हो गया हीलर, एंड प्रिजर्वेशन जिपर। ऑलराइट तो गाइस आपके पास अगर ये कैरेक्टर्स नहीं है तो इसमें भी आप लोग चेंजेस कर सकते हो इससे, ठीक है। नांगहान तुम्हारा एक सिंगल टारगेट डीपीएस, हार्मनी तुम्हारा सपोर्ट कैरेक्टर, एंड नटासा तुम्हारा हीलर, एंड ये ट्रेलब्लेज तुम्हारा प्रिजर्वेशन कैरेक्टर हो गया। ओके ये भी एक तुम्हारा एज ए स्टार्टर टीम बन सकता है, ओके जिससे तुम बॉसेस वगैरह कंप्लीट कर लो, एंड एक टीम तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन है
मैं ये भी बता सकता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हो मार्च 7, तो अभी मार्च 7 को मैं टीम में डाल देख 7। हाँ अगर तुमको ट्रेल ब्लेज नहीं चाहिए यहाँ पे मार्च 7 को डाल दो, ये भी प्रिजर्वेशन कैरेक्टर है, टीम को सेल प्रोवाइड करने के लिए यूज होगा है ना, डिफेंस करने के लिए, तो देख सकते हो। ओके सो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चॉइसेस मिल जाएंगे कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग टांगहान को बिल्ड कर लो ओके एज ए स्टार्टर्स के लिए, एंड एक एस्ट्रा हो गया इसको बिल्ड कर लो, नताशा तुम्हारा हीलर हो गया उसको बिल्ड कर लो ओके, एंड एक एओई डीपीएस के लिए आप लोग बिल्ड कर सकते हो गाइज, हरता है यहाँ पे उसको बिल्ड कर सकते हो, एंड एक सवाल है यहाँ पे उसको भी बिल्ड कर सकते हो ओके, ये एओई डीपीएस रहेगा तुम्हारा टीम में, तो ये एक हो गया। एंड उसके अलावा अगर आपको ये हो गया ये हो गया, ऑलराइट इट्स डन। तो गाइस इसके अलावा अभी आपको बिगनर बैनर से 50-50 आप अगर वॉन हो गए, आपको अगर हैमिको मिल गया जीपार्ड मिल गया, तो आपको क्या टीम यूज़ करना है ऑलराइट। तो बिगनर बैनर के लिए गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हैमिको है, एंड यहाँ पे आप इसके साथ टीम में एस्ट्रा को यूज़ कर सकते हो ओके, एंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो नताशा तुम्हारा हीलर हो गया, एंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एक प्रिजर्वेशन कैरेक्टर, या फिर डिपेंड्स ऑन द एनिमी टाइप्स, आपको देखना है कि आपको क्या यूज़ करना है ठीक है। अगर एनिमी पे लग रहा है कि आइस वीकनेस है मुझे आइस चाहिए टीम में, तो आइस टीम में तुम आप इसको ले लो ऑलराइट, बट यहाँ पे दो एरो रिडक्शन हो जाएगा, तो इसके बदले में सजेस्ट करूँगा आप इसको ले लो ठीक है, ये एज ए आइस भी रहेगा प्लस प्रिजर्वेशन कैरेक्टर तुम्हारे टीम को डिफेंस करने के लिए, तो ये वाला टीम भी आप यूज कर सकते हो इसमें राइट। अगर तुमको हैमी को मिला तो, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 स्टार के डीपीएस कैरेक्टर मैंने बता दिया गाइस है ना, एंड चलते हैं। अगर आपको अगर जीपार्ड मिल गया तो आप मार्च 7 को ये कर लो बिता रो, एंड जीपार्ड ले लो यहाँ पे टीम में ओके। सेम अगर आपको नटासा यहाँ पे है तुम्हारे पास 4 स्टार, आपको अगर बाइलू मिल गया बिगनर बैनर से, तो बाइलू को यहाँ पे डाल दो दैट्स इट, एंड ये तुम्हारा रहेगा एक्शन, हाँ ये तुम्हारा यहाँ पे मार्च 7 ओके। सिंगल टारगेट डीपीएस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अगर आपको सिंगल टारगेट डीपीएस चाहिए तो आप सिंगल टारगेट डीपीएस पे जा सकते हो, डांगान को ले लो, एंड यहाँ पे हारमनी कैरेक्टर, अगर आपको हारमनी कैरेक्टर टीम में नहीं चाहिए, आपको अगर सब डीपीएस में कोई चाहिए, हरता को डाल दो ऑलराइट, या फिर सवेल को भी डाल सकते हो अगर लाइटनिंग वीकनेस में कोई चाहिए टीम में, लाइटनिंग वीकनेस सवेल ये रहा। तो गाइज ये है F2P टीम सेटअप गाइड्स, एंड सारी चीज़ें आपको कैसे कौन से कैरेक्टर को बिल्ड करना है इन्वेस्ट करना है, एंड उससे आपका टाइम भी बचेगा, एंड यस क्रेडिट्स भी सेविंग रहेगा, एंड तुम्हारा एक टीम प्रॉपर रेडी भी हो जाएगा ओके। अगर आपके गाइज आपके टीम में डॉक्टर रेसो आ गया, तो गाइज आपको कौन सा टीम बिल्ड करना है, क्योंकि डॉक्टर रेसो जैसे आप स्टोरी वगैरह कंप्लीट करोगे उससे डॉक्टर रेसो आपको फ्री में मिल जाएगा, फ्री का 5 स्टार का कैरेक्टर, तो कैरेक्टर जैसे अभी आपको बिगना बैनर से मिल गया जीपार एंड डॉक्टर रेसो आपके पास है, तो ये आप दो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हर्चा के बदले गाइज आप यूज़ कर लो यूकोंग राइट, यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो डॉक्टर रेसो को बफ प्रोवाइड करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्रिट रेट क्रिट डैमेज अटैक परसेंट सारी चीज़ें। अगर आपको एज ए सब डीपीएस में चाहिए तो सब डीपीएस में इसके बदले आप यूज़ कर लो सवेल को राइट, ये टीम भी आप लेके जा सकते हो ओके। तो गाइस ये है F2P टीम गाइड फॉर स्टार्टर्स, एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रेस अपग्रेड्स के ऊपर, आपको कौन सी ट्रेस को अपग्रेड करना है, सो वो आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे है ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा F2P टीम रेडी
ओके, एंड इसमें आपको कौन से ट्रेस को अपग्रेड करना है एंड कौन से को नहीं करना है, जिससे आपका क्रेडिट्स भी सेव हो जाए एंड रिसोर्सेज भी सेव हो जाए एंड आपका टीम एक बैलेंस हो जाए फर्स्ट टीम। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल डांगांग यहाँ पे डीपीएस करेक्टर, यहाँ पे आपको कौन से ट्रेस को अपग्रेड करना है, ये हो गया टैलेंट एंड ये अल्टीमेट, ये स्किल, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे आपको बेसिक अटैक को अपग्रेड नहीं करना, ठीक है गाइस? बेसिक अटैक आपको यूज़ ज़्यादा नहीं करोगे तो इसको अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे ट्रेस अल्टीमेट एंड स्किल्स ये आपको अपग्रेड करना है। ओके, एंड यहाँ पे गाइस एक और चीज़ है एस्ट्रा, ये हार्मनी कैरेक्टर है। सो गाइस यहाँ पे हार्मनी कैरेक्टर पर मोस्ट ऑफ टाइम तुमको सिर्फ अल्टीमेट अपग्रेड करना है पहले, मोस्ट प्रायोरिटीज। ओके, सेकेंड आप जा सकते हो इसका टैलेंट पे, ऑलराइट, टैलेंट एंड अल्टीमेट ये दो चीज़, बिकॉज ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो सपोर्ट में आपको जितना बफ मिल सके उसके हिसाब से आपको अपग्रेड करना है। इसमें बेसिक अटैक को आपको अपग्रेड नहीं करना है और स्किल्स को भी आपको अपग्रेड नहीं करना है। ओके, एंड तीसरा यहाँ पे अबंडेंस कैरेक्टर, तुम्हारा हीलर रहेगा, तो यहाँ पे गाइस मोस्ट ऑफ आपको स्किल एंड अल्टीमेट, दैट्स इट, इन दोनों चीज़ों को अपग्रेड करना है जितना हो सके, ठीक है? बेसिक को अपग्रेड नहीं करना है। ओके, तो एंड टैलेंट को थोड़ा बहुत कर सकते हो अपग्रेड, अगर आपके पास थोड़ा रिसोर्सेस है तो इसको फाइट अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी मैक्स टू मैक्स आपको पहले अपग्रेड स्किल्स एंड अल्टीमेट इन दोनों को करना है, ठीक है? प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में आपको गाइस मोस्ट ऑफ टाइम आपको अल्टीमेट ही इसका अपग्रेड करना रहेगा, बट यहाँ पे गाइस जो है ये इसका अल्टीमेट में सेल प्रोवाइड नहीं होता, इसका स्किल पे सेल प्रोवाइड होगा। ओके, तो आपको स्किल्स को अपग्रेड करना है पहले। ओके, जितना मैक्सिमम हो सकता है स्किल्स अपग्रेड करो तुम्हारा मार्स 7 का, ऑलराइट। एंड यहाँ पे देख सकते हो टैलेंट में भी आपको इतना कुछ खास नहीं है, तो मोस्ट ऑफ आपको पहले शील्ड अपग्रेड करना है, डिफेंस प्रोवाइड करेगा शील्ड बेस पे, तो उस हिसाब से तुमको शील्ड अपग्रेड करना है उसका, तो स्किल्स को अपग्रेड करना है। ओके, तो ये है टैलेंट की प्रायोरिटीज, आपको क्या क्या पे कैरेक्टर्स पे टैलेंट आपको फोकस करना है एंड सारी चीज़ें, तो देख सकते हो, ठीक है? मैंने जो बताया उसी को आपको अपग्रेड करना है जिससे आपका रिसोर्सेस सेव हो जाए एंड आप नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए अपग्रेड करना स्टार्ट कर दो, है ना? तो गाइस दैट्स इट। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा रेलिक्स फार्मिंग, एंड यहाँ पे आपको गाइस काफ़ी सारे रेलिक्स एंड मिल जाएंगे, जैसे आप ट्रेल ब्लेज लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्लस स्टोरी क्वेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, 3 स्टार 4 स्टार के रेलिक्स आपको बेसिक मिल जाएंगे एंड बेसिक सेट्स आपको गाइस ये सब अवेलेबल मिल जाएगा 4 स्टार के। ओके, यहाँ पे मैंने 5 स्टार का दिया, बट मेरे पास अभी या ये वाइल्ड बीट आपको 4 स्टार के अवेलेबल मिल जाएंगे एंड कुछ 4 स्टार के आपको फायर का भी मिल जाएगा, विंड का भी मिल जाएगा एंड सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना? तो आपको काफ़ी सारे 4 स्टार के रेलिक्स मिल जाएंगे एज ए स्टार्ट, जैसे आपका गेम प्रोग्रेस होगा आगे, तो सो आपको वही रेलिक्स आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट यूज़ करना है अभी के लिए, ठीक है? आपको अलग से रेलिक्स 5 स्टार का फार्म नहीं करना है या 4 स्टार का, ठीक है? जैसे आप TL 60 पहुंच जाओगे तब आपको रेलिक्स फार्म करना स्टार्ट करना है, बट आपको 5 स्टार जो मिलेगा एटलीस्ट एज ए TL 60 पे मिलेगा, ठीक है? तो आई वोंट सजेस्ट अनटिल अनलेस तुमको एज ए बहुत ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट हो रेलिक्स का। TL 60 में भी आपको गाइस बहुत कम रेलिक्स फार्म करना है, ट्रेस प्रायोरिटीज एंड बाकी चीज़ों पे लेवल अप पे ध्यान दो पहले, तो कैरेक्टर्स पे रेलिक्स आपका फार्म TL 65 के बाद से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आपको ड्रॉप रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है 5 स्टार पे, तो आपको वही करना है। ओके, तो 4 स्टार में भी गाइस देखो ऐसा है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे आपको 4 स्टार पे मिल जाता है अटैक क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, स्पीड, ऐसा कुछ स्टैक्स मिल जाता है सब स्टैक्स में, एंड आपको 5 स्टार पे मिल जाता है ब्रेक इफेक्ट, डिफेंस, HP एंड क्रिट रेट, ऐसा कुछ। तो सबसे ज़्यादा
वैल्यूएबल में फिर भी बोलूंगा 4 स्टार का रहेगा, बिकॉज काफी सारे ऑफेंसिव स्ट्राइक्स उसमें मिल रहे हैं, प्लस आपको स्पीड भी मिल रहा है, तो या काफी अच्छा है, आप उस हिसाब से वैसा यूज कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिजर्वेशन टीम प्लेसमेंट के ऊपर। यहाँ पे काफी लोगों को मैंने देखा कि प्रिजर्वेशन कैरेक्टर को रॉन्ग पोजीशन पे रखते एंड बाद में फिर वो लोग हार जाते बॉस फाइट्स। तो गाइस यहाँ पे देख लो एक बार टीम पोजीशन कैसा होना चाहिए। जैसा कि मोस्ट ऑफ लोगों को मैंने देखा, अगर तुम्हारा टीम प्लेसमेंट में प्रिजर्वेशन कैरेक्टर ऐसा रहेगा, तो अगर प्रिजर्वेशन कैरेक्टर डैमेज खाएगा तो तुम्हारा डांगन एंड एस्टार दोनों डैमेज करेंगे, एंड यहाँ पे चांसेस है कि तुम्हारा प्रिजर्वेशन तो सरवाइव कर जाएगा बट तुम्हारा डीपीएस कैरेक्टर या फिर अस्ट्रा हार्मनी कैरेक्टर दोनों में से कोई एक नॉकआउट हो जाएगा। तो गाइस ये नहीं करना है अपने को। ठीक है, मोस्ट ऑफ एओई डैमेज एनिमीज जो है अटैक देंगे तो तुमको डांगहान एंड एस्ट्रा दोनों को डैमेज पड़ेगा, प्लस प्रिजर्वेशन भी डैमेज खाएगा। ओके, तो गाइस अपने को टीम सेटअप ऐसा रखना है कि देख लो यहाँ पे तुम्हारा ये रहेगा, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे हीलर को रखो बिकॉज हीलर का एचपी ज्यादा रहता है। ओके, एंड एक तुम्हारा प्रिजर्वेशन ऐसा। ओके, तो इसमें कैसा होगा, तुम्हारे प्रिजर्वेशन के राइट साइड में कोई नहीं है डैमेज खाने के लिए, लेफ्ट साइड में नताजा है जिसका एचपी ज्यादा रहता है ना, तो कोई इतना इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा नॉकआउट होने का चांसेस कम हो जाता है कैरेक्टर्स का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड चीज़ है। ऐसे जैसे आप टीम फाइट करने जाते हो, ठीक है, कोई बॉस से एंड या कोई इलाइट एनिमीज से, तो यहाँ पे टीम पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो दैट्स इट, अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हे गाइस अपना अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टारेल का स्टोर। ठीक है, यहाँ पे स्टारेल का स्टोर गाइस यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टारलाइट एक्सचेंज। ये करेंसी गाइस आपको मिलेगा स्टैंडर्ड बैनर्स एंड लिमिटेड बैनर्स से, तो यहाँ पे देख सकते हो इससे आपको सिर्फ गोल्डन टिकट्स परचेस करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है। नो सिल्वर पास, नो 5 स्टार लाइट कोन, नो 4 स्टार आई और आइडोलेंस। ओके, तो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये है, आपको इसी के लिए जाना है। ठीक है, अब चलते हैं एम्बर एक्सचेंज। यहाँ पे एम्बर एक्सचेंज में गाइस मिलेगा अपने को करेंसी, जिससे आप ये करेंसी आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड बैनर्स एंड लिमिटेड बैनर्स पे। ठीक है, यहाँ पे आपको परचेस करना है ट्रैक ऑफ डेस्टिनी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड गोल्डन टिकेट्स, सिल्वर टिकेट्स मंथली बेसिस पे। ठीक है, एंड सारे के सारे ये पूरा स्टोर खाली मत कर देना बिकॉज आपका ये करेंसी खत्म हो जाएगा, और मंथली रिसेट पे अगर ये रिसेट हो गया आप इसको फिर परचेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पूरा देख के ये चीज़ें यूज कर लेना यहाँ पे। ऑलराइट, उसके अलावा अभी स्टेलर ट्रेड गाइस, यहाँ पे जब आपका जेम्स यहाँ पे इतना सारा सेव हो जाएगा, आपको यहाँ से सिर्फ किसी को परचेस करना है और किसी को नहीं। ठीक है, ये गोल्डन टिकेट्स लिमिटेड बैनर के लिए इम्पोर्टेंट है, सिल्वर टिकेट्स को परचेस नहीं करना है। 300 के रोड रश जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से 300 कंप्लीट हो जाएगा तो तुमको 5 स्टार मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसी पे जाना है। ठीक है, तो ये था पारल का स्टोर, अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा असाइनमेंट्स, एंड यहाँ पे असाइनमेंट्स में गाइस आपको जैसे आपका ट्रेल ब्लेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे आपको यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4, तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 लिमिट है असाइनमेंट्स का। एंड असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे एक्सपी मटेरियल्स एंड क्रेडिट पे फार्म करना है, क्रेडिट्स एंड लाइटकॉन अपग्रेड मटेरियल्स एंड कैरेक्टर अपग्रेड मटेरियल। ठीक है, तो इन तीनों पे आपको पहले फोकस करना है। ठीक है, एंड चौथा ऑप्शन आप यहाँ से किसी को भी ले लो, अगर आपके पास इनफ क्रेडिट्स है तो आप यहाँ पे एक और डाल सकते हो। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे गाइस रिकमेंडेड पार्ट यूज़ करना बिकॉज आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलता है, तो 2 कैरेक्टर आपको असाइन करने हैं रिकमेंडेड पार्ट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे बोला है हंट कैरेक्टर या तो डिस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे मैंने दोनों डिस्ट्रक्शन कैरेक्टर डाल दिए।
ठीक है, या तो एक हंट एक डिस्ट्रक्शन ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैसे देख सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे 20 बेस रिवॉर्ड मिलेगा प्लस एडिशनल मुझे 10 मिल जाएगा यहाँ से, तो देख सकते हो ये चीज़ है ना। तो ये है असाइनमेंट्स, आपको डेली ये चीज़ें करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा फाइव स्टार का फ्री लाइट गन फ्रॉम हटा स्टोर। एंड यहाँ पे सिमुलेटेड यूनिवर्स में एंटर करने के बाद हटा स्टोर पे आपको जाना है, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं फाइव स्टार के। ओके, तो डिस्ट्रक्शन लाइट गन डीपीएस कैरेक्टर के लिए आप परचेस कर सकते हो, प्लस आप इसको S5 भी कर सकते हो। ठीक है, S5 पे आपको काफ़ी सारा स्टैक्स मिल जाता है, यहाँ पे 16% अटैक एंड डैमेज 24%, तो वैसे आपको परचेस करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको हटा बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हो मिल जाएगा सिमुलेटेड यूनिवर्स से। ठीक है, इससे आपको ये परचेस नहीं करना स्टार रेल पास। ओके, इससे आपको ये परचेस करना है जिससे आपका S5 हो जाएगा, ये मटेरियल आपका यूज होगा S5 के लिए। ओके, यहाँ पे जितने भी लाइट गन है सब पे ये मटेरियल यूज होगा। ठीक है, तो हटा बॉन्ड से आपको एक सुपर इम्पोजर मिल जाएगा कस्टम मेड का, उससे आप इसको S5, S2, S3, S4, S5 ऐसे कर सकते हो। ओके, तो ये सारे चीज़ों को आपको परचेस करना है, उसके लिए आपको ये चीज़ें सेविंग करनी है, इसके लिए ट्रैवल पास को परचेस मत करना गाइस। ओके, तो ये है अब दैट्स इट, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा फोर स्टार का फ्री लाइट कोन, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फोर स्टार के लाइट कोन्स में भी। यहाँ पे जाना है अपने को, एंड ओके ये देखो। ओके, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं फोर स्टार के लाइट कॉन्स, एंड इसके लिए आपको लगेगा आफ्टर ग्लो करेंसी, एंड ये आपको मिलेगा एको वॉर से, जो कि वीकली अवेलेबल रहता है 3 बार, मतलब पर वीक आप 3 बार एंटर कर सकते हो, जिसके अलावा आपको मिल जाएगा ये करेंसी। ठीक है, एंड उसके अलावा फॉगटन हॉल एंड प्योर फ्रिक्शन भी आप कंप्लीट करोगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आप ये लाइट कॉन्स ले सकते हो, सारे काफ़ी सारे लाइट कॉन्स है जो अच्छे हैं इसमें, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फोर स्टार का लाइट कॉन्स, एंड चलते हैं गाइस अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा इन्वेंट्री, एंड यहाँ पे गाइस इन्वेंट्री हम लोग चेकआउट कर लेंगे लाइट कॉन्स पे। एंड यहाँ पे लाइट कॉन्स में गाइस आपको सबसे पहले 3 स्टार के जो भी आपको कॉपीज मिलेंगे उसका आपको S5 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे आपके पास डिफेंस का कोई लाइट कॉन नहीं है, तो यहाँ पे 3 स्टार का काफी अच्छा एक प्रिजर्वेशन का लाइट कॉन अवेलेबल है, जिसमें 32% डिफेंस इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगेन 32% डिफेंस इंक्रीज हो जाएगा अगर HP 50% से लो है। तो ये प्रिजर्वेशन का लाइट कॉन है, जीपार्ट पे मैंने यूज किया है, तो काफ़ी अच्छा लाइट कॉन है अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है, तो सेम आपको बाकी चीज़ों पे भी करना है। ओके, जितने भी आपको 3 स्टार मिलेंगे उसके कॉपीज बना के रख दो S5 में। ऑलराइट, तो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज यहाँ पे रेलिक्स का है, तो यहाँ पे रेलिक्स देख सकते हो, जैसे तुम्हारा TL लेवल 60 हो जाएगा तब आपको रेलिक्स फार्म स्टार्ट करना है, बट अंटिल अनलेस तुमको ऐसा रिक्वायरमेंट लगा तो आपको बेटर रेलिक्स का ड्रॉप रेट मिलेगा TL 65 के ऊपर। तो उसके बाद देख सकते हो मेरा इन्वेंट्री अभी पूरा ऐसे रेलिक्स पे भरा हुआ है, एंड यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो रेलिक्स को सेपरेट, जो भी आपको लॉक करना है। ओके, सारी चीज़ें जो भी आपका इंपॉर्टेंट रेलिक्स है जो आगे जाके काम आ सकता है बट अभी आपको बिल नहीं करना है, तो सारी चीज़ों को ऐसे लॉक कर दो यहाँ पे। ओके, ताकि वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम ना हो जाए, जैसे आप किसी को अपग्रेड करने जाओगे या कुछ सेल्वेज करने जाओगे ऐसे चीज़ें। फ्यूल्स, जब तुम्हारा एकदम TL 65 अबाव हो जाएगा तब आपको ये फ्यूल यूज़ करना है कोर फार्मिंग के लिए एज तुम्हारा DPS कैरेक्टर का। जैसे तुमने अभी रिसेंटली पुल कर लिया ब्लैक स्पॉन, ओके, एंड तुम्हारा TL हो चुका है 65, तो गाइस ये फ्यूल यूज़ करना स्टार्ट करो, रेलिक्स फार्म करना स्टार्ट कर दो ब्लैक स्पॉन के लिए। साइड बाय साइड तुमको फॉलोअप अटैक का भी रेलिक्स मिल जाएगा जो कि हर्टा पे यूज हो सकता है, एंड डॉक्टर रेचो पे भी फॉलोअप अटैक वाला यूज कर सकते हो, प्लस हेमिको है उसके लिए भी फॉलोअप अटैक वाला वो रेलिक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्यूल आपको सेव करना है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, उसके अलग चीजों में यूज नहीं करना है, ठीक
किसी का ट्रेस फार्म करना है, चलो इसको यूज कर लेते हैं, नहीं करना भाई, ठीक है, इसको सेव करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको F2B में ये आगे जाके बहुत ही कम, ठीक है, एज ए स्टार्टिंग में तुमको मिलेगा, जैसे तुम्हारा ट्रेल ब्लेज लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड आगे चीज़ें इवेंट्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, तो स्टार्टिंग में तुमको मिलेगा बट एंडिंग में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ तुमको नेमलेस ऑनर परचेस करना पड़ेगा, तब जाके तुमको काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप रेट इसका मिलेगा, बेसिक में भी आपको नॉर्मल में ज़्यादा नहीं मिलता, तो ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गाइस सेल्फ मॉडलिंग रेजिन, ये कैसे वर्क करता है गाइस ये आपको बता दूंगा। सिंथेसाइज पे जाना है, यहाँ पे आपको रेलिक्स पे जाना है, सपोज आपको ब्लैक स्वान का एग्जांपल ले लेते, ठीक है, ब्लैक स्वान यहाँ पे आपको फिट में चाहिए स्पीड, तो गाइस यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है, स्पीड को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, है ना, अब इसको सिंथेसाइज कर दोगे ये सिंथेसाइज हो जाएगा एंड मेन स्टैक्स तुम्हारा स्पीड रहेगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे तुम्हारा सेल्फ मॉडलिंग रेसिन एंड ये काम आ जाएगा, ओके। अब ये अगर तुम्हारे पास नहीं रहा इसको कैसे लेना है वो भी मैं बता दूंगा गाइस, ठीक है, यहाँ पे सेल्वेज पे जाओ, यहाँ पे जो भी तुमको सेल्वेज करना है उसको आप सेल्वेज कर सकते हो, ठीक है, जैसे इसको सिलेक्ट करना है तो आई थिंक इसको नहीं कर सकते, 4 स्टार को नहीं कर सकते, या 4 स्टार को नहीं कर सकते, आपको 5 स्टार को करना है, 5 स्टार में आपको ऑप्शन आएगा, आपको ये सेल्वेज करना है या ये रेलिक रिमेन्स पे आपको जाना है, ठीक है, तब जाके एक रेलिक आप सेल्वेज करोगे इसमें आपको 10 मिल जाएगा ये, तो गाइज ये है रेलिक्स का, ओके, तो गाइज आप रेडी हो जाओ छोटा सा बोनस टिप के लिए एंड यहाँ पे देख सकते हो, ओके, यहाँ पे जाना है आपको ट्रेल ब्लेस प्रोफाइल पे एंड यहाँ पे आपको सपोर्ट कैरेक्टर जो आपका मोस्टली DPS बिल्ड है, सपोर्ट बिल्ड है या प्रिजर्वेशन हारमोनी जो भी रहेगा वो उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, जिसके वजह से आपको मिल जाएगा क्रेडिट, अगर कोई भी आपका सपोर्ट कैरेक्टर यूज करेगा आपका फ्रेंड्स या सर्वर में तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको करना है एंड सेकेंड चीज है डेली चेक इन है, ओके, हॉनकाई का यहाँ पे होयो लैब का आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट पे आपको जाना है, सेम मेल आईडी पासवर्ड से आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है एंड यहाँ पे आपको बोनस देख सकते हो, डेली लॉगिन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 20, 40, 50, 60 जेन्स मिलेंगे 28 डेज के चेक इन पे एंड यहाँ पे एक बोनस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है 60 जेन्स का, 7 डेज कंटिन्यू आपको चेक इन रखना है तो उसका भी आपको एक 60 जेन्स मिल जाएगा, ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो कुछ अगर डाउट है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।